पहाड़ों के बीच में आपके लिए लाए हैं एक दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो चलिए बुलाते हैं इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट को। आइए भाई, स्वागत है आपका, स्टेज इज योर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं आपके लिए स्टाइल और पावर का एक दमदार कॉम्बिनेशन, जो है तिरंगा ऑटोटेक की व्यू मॉडल। पावर, पिकअप और स्टाइल के साथ ये गाड़ी आपको देती है बढ़िया परफॉर्मेंस भी। ये वाली गाड़ी की मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा अभी इसी चैनल पे, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ये तिरंगा ऑटोटेक भिवंडी बेस्ड स्टार्टअप है, मुंबई महाराष्ट्र का। पावर पिकअप में हैवी है और उसी के साथ बेसिक में आपको अगर बताऊँ ये गाड़ी की खासियत है, तो सबसे ज़्यादा है इसका दमदार परफॉर्मेंस वाला फाइबर। फाइबर बहुत हाई क्वालिटी का है और हैवी है, आप इसको फील कर सकेंगे। साथ ही सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में लगी है, वो लगी है इसकी 1.5 इंच पाइप की हैवी एसेसरीज। ये आप देख रहे हैं काफ़ी मोटी है और गाड़ी के चारों तरफ है, तो बाय चांस जैसे गाड़ी गिरती है या टकराती है तो आपकी गाड़ी के फाइबर को कोई नुकसान नहीं होगा। और पीछे आप जो ये देख सकते हैं, ये लगभग आपका 1 फीट का निकला हुआ एक्स्ट्रा स्पेस है। आप कभी भी अगर चाहे तो सीट एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर इसमें आप कुछ भी आपके कमर्शियल यूज का सामान रख सकते हैं। मतलब कि सीधी बात है, आप घर के साथ साथ दुकान के हिसाब से भी ये गाड़ी को यूज कर सकते हैं। आगे बात करता हूँ मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कीलेस एंट्री, जो सबसे बढ़िया है। मतलब आप चाबी से भी शुरू कर सकते हैं, उसी के साथ आपके पास रिमोट है, आप बिना चाबी लगाए रिमोट से गाड़ी ऑन कर सकते हैं। खास बात ये, इसमें पार्किंग का मोड आता है। पार्किंग असिस्टेंस अभी कोई गाड़ियों में नहीं आ रहा है। दूसरी बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है जिनमें पार्किंग असिस्टेंस नहीं रहता है। जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट करी, अगर बाय चांस गाड़ी आपने डायरेक्ट रेस दे दी तो वो गाड़ी आगे चले जाती है। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाली गाड़ी में पार्किंग की एक बटन आती है यहाँ पे ग्रीन कलर की, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली बटन को आप जैसे ही दबाते हैं ये गाड़ी पार्किंग से हट जाती है, उसके बाद आप रेस देंगे और गाड़ी चलने लग जाएगी। सबसे स्पेशल फीचर्स जो अभी दूसरी गाड़ियों में नहीं आ रहा है, वो है साइड स्टैंड सेंसर। जैसे कि आपने साइड स्टैंड लगा के रखा है और गाड़ी को रेस देंगे तो वो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। साइड स्टैंड जब तक आप ऊपर नहीं करेंगे, जब तक ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी माय फ्रेंड्स, ये सबसे बढ़िया फीचर है। फिर कीलेस एंट्री के साथ एंटी थेफ्ट लॉक का फंक्शन भी है इसमें, यानी अगर आपने बच्चे वगैरह चला रहे हैं या आपने ही कहीं मार्केट में गाड़ी खड़ी करी है तो आप इसे लॉक करके रिमोट से खड़ी कर सकते हैं। अगर कोई चुराएगा या ले जाने की भी कोशिश करेगा तो आवाज़ करके पहले वार्निंग आएगी, अगर कोई नहीं माना धक्का के ले जाएगा तो साउंड आएगा और ये गाड़ी जाम हो जाएगी। ये साउंड आया और इसके जो टायर रहते हैं वो लॉक हो जाएंगे। ये अभी तक के सबसे बेस्ट फीचर्स में से एक है। आगे की मैं बात करूँ तो फाइंड माई स्कूटर इसमें भी मिल जाएगा आपको। जैसे आपकी एक जैसी दो गाड़ियाँ खड़ी है, अभी हमारे यहाँ कलर्स दूसरे हैं, अगर एक सेम कलर में दो गाड़ियाँ पहचानना है तो आप इसको ऑन कर दीजिए, ये साउंड बजता रहेगा, आपको पता लग जाएगा ये आपकी गाड़ी है। कलर्स की बात करूँ तो इसमें आपको रेड, वाइट, ब्लैक और सिल्वर जैसे बेहतरीन कलर्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। साथ ही ये गाड़ी में रिवर्स असिस्टेंस भी है, मतलब कहीं से भी गाड़ी लेडीज चला रही है या आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप उसे रिवर्स की बटन से पीछे ले सकते हैं। ये डुअल बटन का कॉन्सेप्ट है, मतलब आप लेफ्ट साइड दबाएंगे तो हॉर्न बजेगा, राइट साइड दबाएंगे तो रिवर्स होगा। सबसे अच्छा और सबसे हाईटेक फीचर जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है, ये है आपका वन टच रिपेयर। ये जो आप पानी की बटन देख सकते हैं, ये टूल की बटन, ये वन टच रिपेयर है। होता क्या है, आप कहीं भी बाहर गए और गाड़ी में कोई इशू आया, जैसे एक्सीलेटर खराब होना या टेक्निकल फॉल्ट, तो ये बटन दबा के आप कहीं से भी गाड़ी आपके घर तक ले जा सकते हैं। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं गियर मोड का फंक्शन भी है। कंपनी तिरंगा ऑटोटेक क्लेम करती है कि 60 वोल्ट की बैटरी पे वो 70 किलोमीटर का एवरेज देती है। BLDC हब मोटर जो तिरंगा की खुद की है, अपडेटेड है, जैसा कि आप यह साइन देख सकते हैं तिरंगा ऑटोटेक का, ये इनका खुद का है असेंबलिंग। 90-110 के बड़े वाले टायर जो आपको ऑफ रोडिंग में भी हेल्प करते हैं, मतलब आप सड़क पे चलाए या गांव वगैरह में कहीं कच्ची सड़क पे चलाए, वहां पे भी आपको बहुत अच्छा मदद मिल जाती है। डिक्की स्पेस की बात करूं तो इसमें डिक्की का काफ़ी बड़ा स्पेस आ जाता है। गाड़ी के साथ इसकी मैनुअल बुक भी मिल जाती है, तो आप इसमें बाकी की डिटेल्स सब पढ़ सकते हैं। बेस्ट फीचर इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो MCB रहती है, ये भी अवेलेबल है। कभी भी वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो MCB ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है, आपकी बैटरी या मोटर को कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही मैं बात करूँ इसके आगे वाले टायर की, तो उसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा। फ्रंट डिस्क ब्रेक आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है माय फ्रेंड्स। आपको कहीं भी रोकना ऑफ रोडिंग में या
कभी बारिश पानी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक के साथ इसमें सामने लगे हुए टेलीस्कोपिक शॉकअप, ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और पेट्रोल गाड़ी में भी ये अभी तक आप देखते आए होंगे और यही सबसे बेस्ट है आज का अल्टरनेट। साथ ही पीछे की आप देखेंगे तो आगे टेलीस्कोपिक है, ये हाइड्रोलिक शॉकअप कहते हैं, ये काफी हैवी है, जैसा मैंने आपको बताया 2 क्विंटल तक की लोड ले लेती है, तो 2 क्विंटल लोड ये वाले शॉकअप ले पाएंगे क्योंकि ये परफॉर्मेंस में बहुत ही बढ़िया है। हैवी ड्यूटी गाड़ी के साथ इसमें सबसे अच्छा जो फीचर्स है वो है इसकी लाइट। आप जैसे देख सकते हैं जो फीचर्स इसको दूसरी गाड़ी से अलग करते हैं वो है इसकी हाई हेडलाइट बीम। इसमें डुअल LED लाइट्स है तो रात को आप कहीं भी आना जाना बहुत आराम से कर सकते हैं। साथ ही DRL आप देख सकते हैं इसके हेड पे और नीचे लोअर साइड पे है, जो रात को बहुत अट्रैक्टिव दिखाते हैं गाड़ी को। साथ ही एक और फंक्शन जो इसका अभी आप क्लियर नहीं देख पाएंगे वो है इंडिकेटर का, जो इसके हैंडल में ही फिट है, मतलब आप कभी भी रात को अगर इंडिकेटर ऑन करते हैं तो लोगों को पता रहेगा आप किस तरफ टर्न हो रहे हैं। 2 क्विंटल लोड और 60 का एवरेज के साथ तिरंगो ऑटोटेक है मेरी फेवरेट चॉइस। तो आप हमें इसके बारे में जरूर लिखिए और बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसे लगी। थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना सब कुछ बताया इसके लिए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कल जो हमने बाइक बताई थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। वो लेडीज स्पेशल था, हाँ। उसमें हमने जो गाड़ियाँ बताई थी वो लेडीज और बच्चों के लिए बेस्ट है। ओके। ये वाली जनरली जेंट्स के लिए, मतलब बॉयज लोग लाइक आप और मैं, हमारे लिए ये गाड़ियाँ बहुत बढ़िया है। अभी आप और मैं एकदम पल्सर चलाने वाले टाइप हैवी गाड़ी, अगर हम इलेक्ट्रिक चलाते तो हमें चाहिए परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मिलेगा ये गाड़ियों पे। लोड कैपेसिटी जनरली होता क्या है मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स हैं हम रात को एक ही गाड़ी पे घूमना ज्यादा पसंद करते हैं, वो जो पावर पिकअप हमको पेट्रोल गाड़ी का मिलता है वो इलेक्ट्रिक पे वो वाली गाड़ी पे नहीं मिल पाएगा, ये लोडिंग के लिए। साथ ही मेरी जैसे शॉप है, अगर कभी सामान वगैरह लाना है या कुछ हैवी मटेरियल इधर से उधर करना है तो इसमें आप आराम से हैवी मटेरियल भी लाना ले जाना कर सकते हैं। सामने का स्पेस, सीट का स्पेस और पीछे का जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो ये गाड़ी को बेस्ट बनाता है। वो लेडीज के लिए अच्छी थी और ये हम जैसे बॉयज के लिए बढ़िया है। वैसे हमने इसके बारे में टेस्टिंग भी की थी जो आपको वीडियो की शुरुआत में दिख गई होगी, जब इसका इंट्रो हुआ था तो आपने देख लिया होगा ये कैसी कैसी जगहों से निकाल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसीलिए हम पहाड़ पे आए क्योंकि इसका दमदार परफॉर्मेंस हमें दिखाना था, तो वो आपने आई होप देख लिया होगा, आप समझ गए होंगे इसका पावर को। तो चलिए चलते हैं वापस। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको फिर कोई एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगी देखने के लिए और उसके बारे में हर चीज बताएंगे हम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको इलेक्ट्रिक बाइक लेना है या जिनको इसके बारे में पता नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। चलिए बाय बाय।